भूल भुलिया थ्री और सिंघम अगेन का ये जंग में ऑलरेडी भूल भुलिया थ्री आगे चल चुका है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है मेरे पक्का यकीन है कि भूल भुलिया थ्री अल्टीमेटली भी दिवाली का विनर बनने वाली है, क्योंकि पिछले फ्राइडे से भूल भुलिया थ्री सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ रही थी और कल भी इसका कोई चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि कल भूल भुलिया थ्री ने कलेक्शन किया 4,25,00,000 नेट इंडिया से, जबकि सिंघम अगेन ने कलेक्शन किया 3.5 करोड़, यानी 75,00,000 से आगे जा रहा है भूल भुलिया थ्री सिर्फ इंडिया से नेट कलेक्शन में। और ये 4,25,00,000 के साथ साथ भूल भुलिया थ्री का टोटल कलेक्शन हो चुका है 208,25,00,000, यानी कार्तिक आर्यन का कैरियर में पहला ऐसा फिल्म भूल भुलिया थ्री है जो इंडिया से नेट 200 करोड़ प्लस कलेक्शन किया है। इसके पहले भूल भुलिया टू ने 184 करोड़ कलेक्शन किया था। और 3.5 करोड़ कलेक्शन के साथ साथ सिंघम अगेन का इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 214 करोड़ 50 लाख, यानी आप पकड़ कर चलिए कि 6,25,00,000 से अराउंड 6,25,00,000 से सिंघम अगेन भूल भुलिया थ्री से आगे चल रहा है इंडिया में से नेट। लेकिन ओवरसीज और या ग्रॉस में देखा जाए तो ये जो मूवी है भूल भुलिया थ्री सिंघम अगेन से आगे चल रहा है। ग्रॉस में After 12 days भूल भुलिया 3 का कलेक्शन है 327 करोड़ 75 लाख, जबकि सिंघम अगेन का कलेक्शन है 328 करोड़ 50 लाख, मतलब एक थोड़ा सा फासला है। अगर ओवरसीज में देखा जाए तो ओवरसीज में भूल भुलिया 3 का कलेक्शन है 78 करोड़, जबकि सिंघम अगेन का है 71 करोड़। एक्चुअली ये दोनों मूवी ओवरसीज से कुछ खास कलेक्शन कर नहीं पाया, इसी वजह से इस मूवी का ये हाल है। अगर शाहरुख खान का मूवी होता तो 100% पकड़ कर चलिए अब तक ये 200 करोड़ प्लस कलेक्शन कर जाता सिर्फ ओवरसीज से, तो इससे बेहतर होता है, इससे बेहतर कलेक्शन किया है आपका स्त्री टू ने। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी देखिए, ये एक मूवी ने 3.5 करोड़ कलेक्शन किया था कल और एक मूवी ने 4,25,00,000, तो आज ये दोनों मूवी फिर से ही गिरने वाले, क्योंकि आज वेडनेसडे थोड़ा सा तो 19-20 हो गई। मेरा प्रेडिक्शन है कि भूल भुलैया 3 का कलेक्शन होने वाला है 4 करोड़ और जबकि सिंघम अगेन का होने वाला है आपका 3 करोड़, ये मेरा प्रेडिक्शन है। कल का ऑक्युपेंसी भूल भुलैया 3 का था 14.616%, जबकि सिंघम अगेन का था 13.06%, तो दोनों में थोड़ा सा फासला है। और अभी 5 तारीख तक कोई मूवी रिलीज नहीं है, तो इन दोनों के पास सामने काफी मौका है। और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भूल भुलैया 3 जिस तरह से चल रहा है तो भूल भुलैया 3 अराउंड आपका 260-270 करोड़ तक रीच कर सकती है इंडिया से नेट, और जबकि सिंघम अगेन का मेरे हिसाब से 250 करोड़ में ये दम तोड़ देगी। तो देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब।